नमस्कार आदाब, मैं हूँ सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 20 अप्रैल से देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन को लेकर कुछ शर्तों के साथ छूट दे दी गई है, मगर हॉटस्पॉट इलाके में कोई रियायत नहीं होगी। ये छूट सिर्फ उन इलाकों में रहेगी जो इलाका हॉटस्पॉट नहीं है। किराना दुकान खुली रहेगी, मीट मछली आपको मिलती रहेगी, फल सब्जी के ठेले लगते रहेंगे। देश में 20 अप्रैल से क्या बदलेगा ये आपको हम बता रहे हैं, लेकिन ये छूट उन इलाकों में नहीं होगी जो हॉटस्पॉट है। हाईवे ढाबे अब खुलेंगे, कुरियर सेवा अब हो सकती है, मगर ई कॉमर्स का काम अब नहीं हो पाएगा। कैब सर्विसेज अब नहीं हो पाएगी, चाहे इलाका हॉटस्पॉट हो या नहीं हो। आईटी कंपनियां काम आज से कर सकती है। इसके अलावा सरकारी दफ्तर आज से खुलेंगे, खेत से जुड़े काम आज से शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि रेल सेवा, बस सेवा बिल्कुल नहीं चलेगी। फिर बता दें आपको, देश भर के मॉल नहीं खुलेंगे, सिनेमा हॉल्स नहीं खुलेंगे। इलाके चाहे हॉटस्पॉट में आते हो या नहीं, स्कूल कॉलेजेस अब भी बंद है। बैंक सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस काम करेंगे। इसके अलावा नर्सिंग होम, अस्पताल तो काम कर ही रहे हैं। ऑफिस में छूट के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। 10 मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी, 2 कर्मचारियों के बीच 10 मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी। मास्क लगाना जरूरी होगा, थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजर रखना हर दफ्तर में जरूरी है। लंच का समय अलग अलग होगा, यानी शिफ्ट में होगा। हो सकता है कि कुछ लोगों का 10 से 11 हो या कुछ लोगों का 12 से 1 हो। आईटी सेक्टर में 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे और दूसरे सेक्टर में 30% कर्मचारी दफ्तर में रहेंगे। पिकअप के लिए बड़े वाहनों को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। अब हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। 20 अप्रैल से एक अहम चीजें जारी की जाएंगी। केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है और कहा है कि कुछ जगहों पर छूट मिलेगी। तो महाराष्ट्र में कहां छूट है ये जान लीजिए। ग्रीन ऑरेंज जोन में उद्योगों को काम की इजाजत है, रेड जोन में बिल्कुल भी छूट नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।